राजधानी लखनऊ में राम मंदिर मामले को लेकर बाबरी एक्शन कमेटी ने बैठक किया है। बता दें कि इस्लामिया कॉलेज में हुई इस बैठक में बाबरी एक्शन कमेटी के तमाम मेंबर के साथ जफरयाब जिलानी और अयोध्या से बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी भी मौजूद रहे। वहीं बैठक के बाद अधिवक्ता जफरयाब जिलानी ने बताया कि इस मीटिंग का मकसद बाबरी मस्जिद मुकदमे को लेकर तमाम पहलुओं पर जानकारी देना था और इसीलिए ये बैठक की गई। ये सब बातें बताना थी कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस हमारा चला, आर्डर हुआ सितंबर में, फिर 29 तारीख को अक्टूबर में डेट हुई, 4 जनवरी को फिर डेट लगी है, तो इन सब में क्या कार्रवाई हुई है, क्या हमारी तैयारी है आइंदा के लिए, हमारे वकील कौन कौन अभी इस वक्त हैं, इन सब तफसीलात को बताना था। और साथ में ये भी बताना था कि ये जो इधर से 2 महीने में बहुत कुछ प्रोपेगेंडा किया गया, बहुत कुछ स्लोगन्स दिए गए और ये जाहिर किया गया कि हमको जो है वो मंदिर ज़रूर बना लेंगे, ये सब बातें, तो इसके पस मंज़र में हमें क्या रुख अख्तियार करना है, तो इस बारे में लोगों को बताया गया कि हमें कोशिश यही करना है कि कोई सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई कहीं फंस से कोई मसला हल होने वाला नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट में जो भी होगा वो इनके कहने से नहीं कुछ हो रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट इनसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो रिकॉर्ड कर एविडेंस पर कानून के मुताबिक काम करेगा। ये बारे पूरी तफसील से बताई गई। और एक बात ये भी थी कि जो खबरें अक्सर आती हैं कि ऑर्डिनेंस आने जा रहा है, तो अगर ऑर्डिनेंस आएगा तो उसकी क्या लीगल इम्प्लिकेशन होंगी, किन बुनियादों पर वो अल्ट्रा वायरस होगा, ये सब बातें बताई गई और कहा गया कि अगर ऑर्डिनेंस आता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। वहीं इस दौरान अयोध्या से आए बाबरी मस्जिद के मुख्य पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि अयोध्या मामले को लेकर तमाम सियासत हो रही है, लेकिन हिंदू और मुसलमान दोनों ही कोर्ट का फैसला मानने को तैयार हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि अयोध्या मसले को लेकर ऑर्डिनेंस की बातें हो रही हैं, जबकि कानून पहले से ही बना है और ये मामला कोर्ट में है, तो सबको कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। लखनऊ के आलिम लोग भी हैं, वकील लोग भी हैं, ये कम जो है मीटिंग हर साल होती है, और यहाँ मीटिंग करने का मकसद यह है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का जो मसला है, जो कोर्ट में इस मुकदमा है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इतने दिन जो है बीत चुके हैं, लोग राजनीति करते रहे और करते रहते हैं, हमेशा राजनीति के घेरे में ही आज तक रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि जो कोर्ट जो भी फैसला करेगा उसको हम मानेंगे, क्योंकि यहाँ मुसलमान भी कह रहा है, पक्षकार भी कह रहा है, कमेटी भी कह रही है, कोर्ट जो फैसला करे तो हम मानेंगे, क्योंकि यहाँ सवाल उठता है ऑर्डिनेंस कानून, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि कानून बना हुआ है, कोर्ट बना हुआ है, फैसला करने वाले भी हिंदुस्तान में हैं, सुनने वाले भी हिंदुस्तान में हैं, मानने वाले भी हिंदुस्तान के हैं, तो इसलिए कोर्ट जो भी फैसला करेगा उसको हम मानेंगे, ये हमारा मकसद था, इसलिए हम मीटिंग बुलाई गई। आने वाली 4 तारीख के लिए भी कोई रणनीति तय की गई? आने मतलब जो है आने वाली 4 तारीख से मतलब नहीं है, हम लोगों का केवल एक ही मकसद है कि कोर्ट फैसला करे, आज करे, अभी करे, हम उसको मानेंगे, बस इतना ही हमारा मकसद है। आपको बता दें कि 4 जनवरी से अयोध्या मामले पर सुनवाई होने की उम्मीद है और इस समय इस बैठक को अहम माना जा रहा है। देखना होगा इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या फैसला आता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।